सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन शर्मा ते मैं लेके आया थोड़े लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। जी आ वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। श्री गंगानगर के आप इस टाइम है पिछे तुसी देख सकते हो जी बिल्डिंग है, यह जी बिल्डिंग है तुसी भी देख के सोच रहे होंगे भी बिल्डिंग जी की चीज़ है। ये जी आ बिल्डिंग है यह है श्री गंगानगर के जोड़ा कि वाटर बक्स है जिहड़ा कि नवा बनया और पूरे गंगानगर च पानी जी की सप्लाई हो रही है। इस टाइम के कई घरों के कनैक्शन लग चुके हैं, तुम देख सकते हो जो मीटर लगे हुआ है लग्या सारे दे है, बट इन्होंने किसी को ये नहीं पता है भी पानी आ कितों रहा है। इन्होंने इन्ना पता कि LNT वाला पानी आ रहा है। फार्म भरते हैं लोग, फार्म भर के मीटर लवाई जाते हैं, पर इन्होंने ये नहीं पता भी कितों पानी आ रहा है, किमें साफ हों, किमें की हों, कुछ नहीं पता। तो आप इस वीडियो के इस चीज़ बारे गल करांगे। तो तुम देख सकते हो आ जी बिल्डिंग है, इस आप दिखाने घूम फिर के भी ए सिस्टम लग्या, किमें पानी साफ हों। तो देख सकते हो तुम जी आ मीटर लगे हुए, आप इस मीटर बारे गल करनी है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए तो आप वीडियो बताने अगे, तो प्लीज़ जिस किसी मेरे वीर ने भी चैनल मेरा सबसक्राइब नहीं किया पहला जल्दी देने चैनल में सबसक्राइब कर लियो। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो बढ़ते अगे, तो आप चलते हम इस साइड के है LNT का पंप हाउस। अब तो देखो तुम कि सारिया मोटर लगिया हुई ने, जिन्होंने पंप हाउस कहते हैं। ये की है भी 40 हाउस पावर की, 60 हाउस पावर, 100 हाउस पावर दड्डो अड यानी कि पावर वाइज मोटर लगिया हुई ने, जितों की पूरे यानी कि सप्लाई जाती है जितों की। तो आप वीडियो बढ़ते हैं होर अगे। तो जी तुम आप बिल्डिंग देख रहे हो यह है LNT का फिल्टर प्लांट। तो आ जी सारी की सारी बिल्डिंग की है नवी बनी हुई है। तो एक तुम इतने आओगे तुम भी आप भी देखोगे यार वाकई में बहुत ज़्यादा सफाई है। तो एक तुम आ देख रहे हो हम पीले पीले ड्रम जे पे हुए ने, यह चाहिए क्लोरोफोम। ये पानी नू साफ करन दे विच काम आउंदी आ, उहदे विच जिहड़े गंदे कीटाणु हुंदे आ उहनां नू मारदी आ, इह जिहड़े कि कोई भी गंदे मंदे कीटाणु आ उह मार दिंदी आ। हुण आपां चलदे आ जे फिल्टर प्लांट दे विच। इत्थे देख सकदे हो तुसीं जिहड़ी पाइपां च सप्लाई दित्ती हुई है, इत्थे बैड वगैरह आपां तुहानूं दिखावांगे किवें फिल्टर हुंदा पानी, ते पूरा तुहानूं डिटेल दे विच दस्सांगे। ते आपां चलदे आ थोड़ा होर उपर मंजिल दे विच, तुसीं देख सकते हो आ देखो इत्थे इस तरीके दे चार बैड बने हुए ने जिन्हां दे विच पानी आउंदा। ये की है दो दो वर्कआउट करते हैं, जिमें दो फिल्टर कर लेंगे ने, उस बाद जो नहीं फिल्टर होंगे वो दोनों बंद कर देंगे ने, फिर वो दो फिल्टर हो गए फिर वो दोनों चलन गए फिर ये दो बंद कर देंगे। इस तरीके की है चारों कट्ठे नहीं हो सकते, अगर चारों कट्ठे करेंगे तो गंगानगर के पानी बंद हो जाएगा LNT का, इस करके इन की है दो दो करके वॉश करते हैं तो फिल्टर करके चला। तो आ जोड़े बक्से है ये की है बैडा के फुल ऑटोमैटिक है, ये कोई इन कुछ नहीं करना आपू, तो ये कुछ भी आपू मैनुअल करने की कोई लौड़ नहीं गी, सिर्फ ऑटोमैटिक जोड़े कि ये आप बैड वॉश करना है। पर बैड के उत्ते अड्डो अड्ड लगे हुए हैं, आप एक नंबर करा, दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर, चार बैड ने, चारों जे फुल ऑटोमैटिक है आ जोड़े लगे हुए हैं वाल लगे हुए हैं। तो हूँ आप चलते हैं जिते कि ब्रिज लगे हुए है, जोड़ा कि यह ब्रिज है ये साफ करता पानी घूमता रहा कि ता कि कचरा जोड़ा बेच जमे ना, जो जम जूगा कचरा तो थलो पानी आना बंद हो जाता। देख सकते कि गंदा पानी है। तो आ रहा ब्रिज, इन्हू कहते ब्रिज, ब्रिज की है हौली 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 घूमता, तो ये की है ब्लेड लगे होंगे ने थले, आ देखो धीरे धीरे आ रहा अगे, ये थले लगे हुए हैं ब्लेड ता कि थले पानी जोड़ा कि जमे ना, ये कचरा जोड़ा होंगे ये, तो हौली हौली थलों ही पानी आता उपर न, ये थलों जो उपर न आता। तो आ देखो आ थोड़ा मोटा इतने साफ हों, बाकी तो तुम अगे जाके दिखावे भी किमें साफ हों पानी। तो आ देख सकते हो जिमें उत्तों ब्लेड लगे हुए हैं ताकि जो कचरा भी आए या कोई पत्ते भी आते कोई मीनेरी
ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ LNT ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਕਚਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਾਸ਼ ਨੇ ਸੋਰੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਵਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਬੈੱਡ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।